देखो भाई सभी लोग का स्वागत है आज के नए वीडियो के अंदर। तो भैया देखो अपने ही मैंने गाइस जो अपना ईवो M10 है तो वो अपने इंडिया से पेटर्न आने वाले, ठीक है। तो इससे टिकाय मुझे काफी सारे सब्सक्राइबर्स के ना गाइस क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मतलब काफी सब्सक्राइबर गाइस काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चंस थे। एंड साथ में गाइस यहाँ पर जो है मुझे काफी सब्सक्राइब बोला था कि भाई यार आपने पिछली वीडियो में उसका रिव्यू तो करा दिया कि भाई कितने डायमंड लेंगे एंड गाइस वो कौन से सर पे बैठ गए, बट आपने कन्फर्म डेट नहीं बताई। तो इस वीडियो के अंदर मैं गाइस वो कन्फर्म डेट भी बताने वाला हूं, गाइस वो कब आएगी क्या नहीं आएगी, कौन से इवेंट में आएगी, किस तारीख को आएगी, सब कुछ एकदम डिटेल के साथ बताऊंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे जिगर के छल्लो गाइस बस वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच कर लेना। एंड उससे पहले गाइस आप लोग वीडियो को मतलब स्किप करो, उससे पहले गाइस यहाँ पर ना मैं पिछली वीडियो का गिव अवे निकाल देता हूँ, ठीक है भाई। देखो जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पाए ना, ये गाइस वो बंदा है जो मतलब ये भाई वो भाई है जो हमारे वीडियो के गिव अवे विनर को वीडियो को लाइक करके चैनल का जरूर से कर देना गाइस, की सब्सक्राइब करोगे और गाइस वीडियो लाइक करोगे तभी जाके आप लोग यार गिव अवे विनर को विन कर पाओगे, ठीक है। एंड देखो अपन को 10K इसका क्रॉस करने एंड गाइस आपको गिव अवे में एलिजिबल होने के लिए बस गाइस आपको प्यारा सा कमेंट करना है, जिससे आप लोग ना रैंडम कमेंट पे अगर वेबसाइट के अंदर जो गिव अवे हो ना मेरा उसके अंदर पास पार्टिसिपेट कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड गाइस आई वुड लाइक यू से अभी गाइस अपना जस्ट एक न्यू वेपन लाया गाइस कल के दिन, और गाइस मुझे कुछ सब्सक्राइबर लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपना जो नेक्स्ट वेपन रॉयल होने वाला है तो वो कौन सा होने वाला है। मतलब कि देखो ये वाला जो गाइस हमारा वेपन रॉयल है ना चार्ज बस्टर का, ये गाइस लगभग सभी बंदों को पसंद नहीं है, जैसे कि गाइस मुझे पसंद नहीं है और गाइस ऐसे आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर लोग ऐसे जो कि उनको पसंद नहीं है वाला जो वेपन वाले पसंद आया फिर नहीं है, वो चीज मुझे कमेंट के जरिए बता देना। एंड मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ईवो गन की स्किन, मतलब सॉरी ईवो नहीं आपको जो यहाँ पर M10 की स्किन देखने मिल रही है ना, तो ये गाइस होने वाले हमारे नेक्स्ट सीरियसली गाइस यहाँ पर गाइस ईवो गन की स्किन को आए मतलब ईवो नहीं सॉरी यार M10 को आए गाइस काफी सारे मतलब कि महीने आई थिंक साल हो गए हैं जो कि M10 की स्किन ना हमारे वेपन रॉयल के अंदर नहीं आई, ठीक है। आई थिंक 2 साल पहले उसकी स्किन आई थी, उसके बाद तो अब तो भाई नहीं आई, ठीक है। तो आपको ये देखने मिलने वाली हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर जो कि मुझे काफी लुकिंग पसंद आई है, तो लुकिंग भाई बहुत ज्यादा ओपी स्किन से, और देखो इसकी यहाँ पर जो ब्लू ब्लू सा कुछ निकल रहा है ना भाई लुकिंग ला रहा है, ठीक है। तो काफी अच्छी मुझे स्किन इसकी लुकिंग जो है ना वो लगी है। एंड इसकी बात करें यहाँ पर जो हमारे एट्रीब्यूट्स होने वाले वो भी भाई बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाले, ठीक है। जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इसके एट्रीब्यूट्स होने वाले डबल रेट ऑफ फायर होने वाला है और रिलोड स्पीड सिंगल प्लस होने वाले। रेट ऑफ जो M10 की स्किन है मतलब कि M10 गन है ना गाइस वो बस दो ही चीज मांगती है, पहले गाइस हमारा रिलोड स्पीड, दूसरी गाइस हमारा रेट ऑफ फायर, ठीक है। अगर गाइस आपके पास रेट ऑफ फायर ज्यादा होगा ना तो भाई आप लोग जल्दी से जल्दी फायर कर पाओगे, एंड अगर गाइस वहीं आपके पास ना मेरा रिलोड स्पीड सिंगल मतलब स्पीड प्लस होगी ना तो भाई आप लोग गाइस उसको जल्दी जल्दी रिलोड कर पाओगे, ठीक है। तो यार M10 है ना गन स्किन गाइस बस वो यही मांगती है, और सीरियसली कह रहे यार इस गन की स्कीम में ना वो सभी चीजें दी जा रही हैं जो कि हमको यार चाहिए, ठीक है। फिलहाल कैसे हमको भले हमारी ये वो गन की स्कीम को टक्कर नहीं दे पाए, बट कैसे हमको कम डायमंड में इतनी ओपी स्किन मिल रही है ना, तो भैया मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस स्कीम के लिए कि भाई ये जरूर से जरूर आ जाए, ये ना काफी सही चीज कहीं ना दे रही है, तो मुझे तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। अब इसके बाद ना गाइज हमारे एक मैं आपसे कुछ चीज बता दूं, क्या इसकी आपको ना यार मतलब कि एक ऐसी अपडेट आने वाला है कि भाई आप है ना किसी भी गन की स्किन को परमानेंट ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि भाई देखो मैं ना गाइस कोई मतलब कि भाई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये कहीं खुद का है, ठीक है। और इसका एक बैनर वगैरह पोस्ट वगैरह भी निकल के आई है जो कि मैंने ना ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दिए, तो अगर आपसे लोग वो वीडियो को देखना चाहते हैं मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दी, तो करना कुछ नहीं, सिंपल से गाइस क्या करना है डिस्क्रिप्शन ओपन करना, आपको वहाँ पे पहली लिंक या फिर दूसरी लिंक मिल जाएगी, या फिर ना गाइस आपको ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जरूर से वॉच कर लेना, काफी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी एकदम न्यूज दी है, जिससे भाई आप भी वो देख के बोलेगा भाई क्या बात है, ठीक है। मतलब एकदम ओपी वाले लीक्स वगैरह दिया और एकदम ओपी समझाया, ठीक है। तो बस उसको वॉच जरूर से कर लेना गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा अपडेट आने वाला है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया इससे यार हम हर गन की स्किन को ना परमानेंट ले पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अपडेट आने वाला है, चलिए तो बात करते हैं और भी अपडेट्स के बारे में। जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है ना वो आती गाइस हमारी बिल्कुल ही न्यू भाई EN94 गन की स्किन को लेकर, जो कि यार ईवो होने वाली है, ठीक है भैया। आप सब लोग देख सकते हो ये ईवो गन की स्किन होने वाली है हमारे AN94 गन, भाई क्या बोले, मतलब कहीं एकदम जहर वाली लुकिंग इसकी दी गई, सीरियसली जैसे कहे अपने जानते हो ड्रैको की 47 गए उसकी टक्कर देने वाली गन की स्किन लुकिंग के मामले मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। तो मैं तो भाई इसकी तारीफ करके थकूंगा नहीं गाइस, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा वाली स्किन जो है ना वो पसंद, तो हो सकता है गाइस कि आपको ना भैया ये उतनी पसंद ना आई हो जितनी मुझे पसंद आई है, बट गाइस सीरियसली यार जितनी ये पसंद आई है ना गाइस वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ठीक है। तो आपको ड्रैको की 47 ज्यादा पसंद है या फिर गाइस हमारी न्यू ईवो AN94 गन की स्किन ज्यादा पसंद है, वो चीज मुझे कमेंट कर जरूर से बता देना। चलिए इस तो बात करते हैं फाइनली गाइस हमारे ईवो M10 के बारे में, लेकिन पहले गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करका है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर
रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना, ठीक है। और गाइस अगर आपने अभी तक गिवी को ज्वाइन नहीं कर रखा तो भैया क्या कर रहे हो, जल्दी से गिवी को ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि यार आगे ऐसी में और गिवीज करने वालों, साथ में इस गिवी का गिवी भी ना भी निकाला है ना, तो जल्दी से गिवी को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। चलिए गाइस मैं आपको फटाफट से आप ईवो M10 के बारे में बता दे, ठीक है। तो मेरी जिगर के चलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हो गाइस कि अपनी जो ईवो M10 है वो है ना गाइस अपने 5th एनिवर्सरी को स्पेशल आने वाली थी, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर जब फ्री फायर ने जब अपनी ईवो M10 को कैंसिल करके जो कि वोटिंग इवेंट आया था तो उसमें ना गाइस आप सभी ने कोबरा M40 को वोट किया, ठीक है। आप सभी ने जब ईवो M40 को ज्यादा वोट दिए तो कहीं ने उसको डिसाइड कर दे लाने के लिए, ठीक है। बट गाइस क्या हुआ कि ट्यून्स ऑफ रोजेस हमारी M40 है ना वो हमारे आ चुकी, ठीक है। इसलिए उसको कहीं ने इसलिए ईवो M40 को नहीं दिया, क्योंकि अगर वो उसको देते थे तो भैया ईवो जो हमारी रोज ट्यून्स ऑफ रोजेस जो M40 है ना उसको कोई भी नहीं लेता, ठीक। इसलिए ग्रेनर ने गाइस हमको जो है ना उसकी ईवो M40 की जगह ना UMP दिए, ठीक है। अब गाइस आपसे लोग पूछोगे भैया ईवो M40 कब तक आने वाली, यार ये तो बताओ भाई, तो मैं आपसे को बता रहा हूँ, रुको जरा सबर करो भाई, वीडियो को एंड तक वॉच करो, आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। तो मेरे जिगर के चलो गाइस मैं आपसे को बता, देखो सबसे पहले गाइस आपको बता दूं कि अपने जो ईवो M10 है ना और जो अपनी ईवो M40 है दोनों ईवो गन की स्किन है, तो दोनों का फैड अवेल इवेंट आते हैं, दोनों गाइस हमेशा हमें 1100 डायमंड लगते हैं, मतलब 1100 डायमंड से ज्यादा नहीं लगते, ठीक है, कम लग जाएंगे बट ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और दोनों गाइस लेवल 7 करने के लिए ना हमको कम से कम ना 7,000 से 8,000 डायमंड चाहिए, ठीक है। तो अब दोनों ही गाइस रिटर्न आने वाले, कब आएगी मैं आपको सबसे पहले आपको ईवो M10 के बारे में न्यूज़ देता हूँ। जो अपने ईवो M10 है गाइस वो अपने 5th आने वाली थी, बट उसकी वोटिंग की कहा मतलब उसको वोटिंग कम मिली इसलिए गाइस ने कैंसिल कर दिया है। और बट गाइस जब अब मतलब 5th एनिवर्सरी को आने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है, तो अब सिंपल सी बात है वो नेक्स्ट इवेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो होने वाला गाइस हमारे यहाँ पर दिवाली, ठीक है। अब यार दिवाली को गाइस आपको अगर भाई यकीन ना हो तो मैं आपसे बता दूं गाइस, देखो पिछली अगर आप लोग चेक करोगे ना तो पिछली बार आई थिंक दिवाली ने सितंबर के टाइम पड़ी थी और तभी गाइस हमारी ईवो M10 ने दिवाली स्पेशल आई थी, ठीक है। और उसके बाद है ना गाइस आप अगर आप उससे पिछली वाली दिवाली को चेक करोगे ना तो तब भी गाइस हमारे एक ईवो गन की स्किन जो आई थी ना वो रिटर्न आई थी, ठीक है। तो मतलब दिवाली की स्किन दिवाली का एक ऐसा एक बहुत बड़ा इवेंट आप सभी जानते हो, मतलब इवेंट क्या भाई त्यौहार है अपने इंडिया सर्वर के लिए। तो दिवाली के टाइम पे गाइस आपको ईवो M10 रिटर्न देखने को मिलने वाला है, हमेशा की तरह गाइस आपको देखने मिलने वाले हमारे फैड रिवील इवेंट के अंदर, ठीक है। फैड रिवील इवेंट के देखने मिलने वाली है, साथ में गाइस आपके ना मेरे भाई इसके अंदर गाइस 1100 डायमंड लेंगे और गाइस यहाँ पे ना मेरे इसको अपग्रेड करने के लिए आपको 4 से 5,000 डायमंड देने दे मिल सकते हैं। और गाइस मैं आपसे कुछ चीज बता दूं गाइस कि अपने ये दिवाली के टाइम में जो रिटर्न आएगी तो ना गाइस आपको हो सकता है कि कोबरा M40 भी रिटर्न देखने मिल जाए, ठीक है। क्योंकि देखो आप गाइस यार कि दोनों गन की स्किन ही बची हुई है जो कि रिटर्न नहीं आई है, जो कि 5th एनिवर्सरी कन्फर्म हुई थी बट किसी कारण से गाइस कैंसिल हुई है, तो इसलिए बस ये दिवाली के टाइम ही है। और गाइस मैं आपको 90% गाइस गारंटी देता हूं कि भाई आपको ये रिटर्न देखने मिलेगी दिवाली के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि गाइस बस आप सभी जानते हो बस ये दो गन की स्किन बची है जो कि रिटर्न नहीं है, बाकी सब रिटर्न आ चुकी है, सबके सबके न्यू वर्जन आ चुके हैं, इसलिए आपको पास दो M4 मतलब दो स्किन बची हैं जो कि नहीं आने वाली है। और अपने जो गाइस आपसे को याद होगा कि अपनी न्यू ईवो गन की स्किन आने वाली है वो अपने OB36 रेट के बाद आने वाली, ठीक है। और कोई भी न्यू गन की स्किन आने से पहले मतलब कोई भी न्यू ईवो गन की स्किन आने से पहले हमेशा पुराने गन की स्किन रिटर्न आती नहीं है, तो इसलिए आपको दिवाली के टाइम पे देखने मिलेंगे भाई इतने ज्यादा चांस हाई स्किन का है ना कि आपको उसी टाइम पे देखने मिल जाए, ठीक है। तो बस कहते मुझे और भी कोई अगर अपडेट मिलती है मैं आपके साथ 100% शेयर कर दूंगा। तो बस कहते वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करके तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना।